नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी। दरअसल लोगों में नाराजगी थी CAA और NRC को लेकर, जिसकी वजह से कई थाना क्षेत्रों में आगजनी की घटना देखी गई थी, तोड़फोड़ वहां पर की गई थी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर फरमान जारी कर दिया था कि जितने भी लोगों ने जिस भी तरह से हिंसक प्रदर्शन किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही साथ जनता का पैसा और जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है इसका जो वसूलनामा है वो भी इन्हीं प्रदर्शनकारियों से वसूला जाएगा। इन सबके बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कुल मिलाकर 15 ऐसे आरोपी हैं जिनके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, और साथ ही साथ इन पर 5,000 का जुर्माना भी 5,000 का इनाम इन पर घोषित किया गया है। यानी इनकी पहचान बताने वाले को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शहर के कोने कोने में तो इनके पोस्टर्स चस्पा किए ही गए हैं, साथ ही साथ जहां के लोग रहने वाले हैं, जहां पर इन आरोपियों का घर है, जहां पर इन प्रदर्शनकारियों का गाँव है, घर है, जहां पर इनकी पहचान है, वहां पर भी इन पोस्टर्स को चस्पा किया गया है, और इसीलिए इनाम की घोषणा की गई है ताकि जल्द से जल्द इनका पता लगाया जा सके। बता दें जो 15 आरोपी जिनको बनाया गया है और जिनके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं उनमें से 8 ऐसे आरोपी हैं जो कि मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में उनको डाला गया है, और यही वजह है कि अब योगी सरकार इन पर सख्त एक्शन लेने की फिराक में है। बता दें आपको जिनके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं उनमें हसन, इरशाद और आलम का नाम भी सामने आया था। इन्होंने गुरुवार को ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा सैफ अब्बास, कल्बे सिप्ते नूरी, ठाकुरगंज के सलीम चौधरी, कासिफ, हलीम, नीलू, मानू, इस्लाम, आसिफ, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे आरोपी हैं जिनके पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं, और इनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा योगी सरकार ने पुलिस टीमों का गठन किया है। इनकी धरपकड़ की जा रही है, इनकी कॉल ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है किसी भी वजह से, किसी भी तरह से योगी आदित्यनाथ इन प्रदर्शनकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है, और जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होगी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही, सजा का प्रावधान भी होगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, और ये भी निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं कि जितना भी नुकसान इन लोगों ने किया है जनता का, सरकारी प्रॉपर्टी का, वो इनसे वसूला जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरह का ऐसा हिंसक प्रदर्शन कोई भी करने की सोचता है तो वो सबसे पहले 100 बार इसका खामियाजा भुगतने का सोच ले। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा।